वक्त कब करवट ले ले और किस्मत कब पलटी मार जाए कहा नहीं जा सकता। वैसे टीम इंडिया के साथ वनडे वर्ल्ड कप 2023 के दौरान जो भी कुछ हो रहा था वो उसकी मेहनत और अच्छे खेल का भी नतीजा था। अपने घर में अपने लोगों के बीच खेलते हुए जीत की गाड़ी किसी के रोके नहीं रुक रही थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि टीम इंडिया बिना कोई मैच हारे आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंच गई, जहां उसका सामना 19 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया से था। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहने को दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली खिताबी जंग को देखने आए लोगों की मौजूदगी देख उस दिन वो भी छोटा ही लग रहा था। स्टेडियम का हर एक कोना खचाखच भरा हुआ था, नजारा नीले समंदर के समान था और हर किसी के जुबान पर एक ही नाम था, इंडिया। बस एक ही चाह थी कि वर्ल्ड कप की वो चमचमाती ट्रॉफी घर में रहे। वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल का रोमांच तो था ही, लेकिन उस रोमांच को और भी तीखा ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने अपने एक बयान से बना दिया था। मुकाबले से पहले पैट कमिंस ने कहा था कि वो अहमदाबाद के भारतीय फैंस को चुप कराना जानते हैं। अहमदाबाद के मैदान पर टॉस अहम होता है, जीतने वाली टीम को इसका फायदा होता है और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को यह फायदा मिल चुका था। उन्होंने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए उतारा। विराट कोहली के 54 रन और केएल राहुल के 66 रन की बदौलत भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 50 ओवर में सिर्फ 240 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस ने मिलकर 5 विकेट उखाड़ डाले। अब ऑस्ट्रेलिया के सामने 241 रन की चुनौती थी, जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच के मिजाज और कंडीशन को देखते हुए मुश्किल नहीं लग रहा था। इस स्टेडियम को दरअसल चेजिंग ग्राउंड कहा जाता है, ओस की भूमिका के चलते यहां स्कोर चेज करना संभव है और इस मैच में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। ओपनर ट्रेविस हेड ने शतक जड़ दिया और बाकी का काम मानस लबुशेन की हाफ सेंचुरी ने कर दिया। नतीजा ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल 7 ओवर पहले ही 6 विकेट से जीत लिया। 137 रन की बेजोड़ पारी खेलने वाले ट्रेविस हेड को ऑस्ट्रेलिया की इस जीत का नायक चुना गया। ऑस्ट्रेलिया से मिली इस हार के बाद दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा कि फैंस मानो सदमे में आ गए। ये झटका बड़ा इसलिए भी था क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने फैंस का मुंह बंद कराने की जो बात कही थी वो सच साबित हो गई। भारतीय टीम और उसके कप्तान रोहित शर्मा को भी यकीन नहीं था कि पूरे टूर्नामेंट में विजयी रथ पर सवार रहने के बाद आखिर कैसे वो फाइनल में आकर हार गए। फैंस की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरने का दुख उनके चेहरे पर तब साफ साफ देखा जा सकता था जब वर्ल्ड कप ट्रॉफी का प्राइज सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। वनडे वर्ल्ड कप के मुकाबले के दौरान ही मोहम्मद शमी को भी चोट लगी थी, जिसके बाद से वो इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं। 19 नवंबर 2023 को वर्ल्ड कप फाइनल के तौर पर खेले आखिरी मैच के बाद शमी अब फिर कब मैदान में लौटेंगे इसका भी कुछ मालूम नहीं है। फिलहाल उन्होंने घरेलू क्रिकेट में खेलना शुरू कर दिया है और शानदार परफॉर्मेंस दे भी रहे हैं, लेकिन 19 नवंबर का जो ये दिन है एक साल बाद भी भारतीय क्रिकेट फैंस के दिल में उसी तरीके से चुभता है जैसा कि एक साल पहले उस रात को चुभ रहा था।